आप जब भी मशीन पे ऊपर चढ़ते हो तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट सेल फिल्टर हाउसिंग, ये वाला पंप और बाकी ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, मोटर आ गया और इसके नीचे में सीम रिडक्शन यूनिट लगा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, फिर आपका स्वागत है मैकेनिकल लाइफ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सावेटर के कॉमन पार्ट्स के नाम और आइडेंटिफाई की लोकेशन कहाँ पे है। जो पार्ट्स आज हम बात करने वाले हैं वो सभी ब्रांड की मशीनों में सेम जगह पे लगे होते हैं और सेम नाम होते हैं। तो आप ये मत फील करना कि आप वोल्वो में बता रहे हैं तो हिटेची में कैसे होगा, कोबेल्को में कैसा होगा, जेसीबी में कैसा होगा। तो सभी ब्रांड की मशीनों में ये पार्ट्स कॉमन रहते हैं और आज हम कॉमन पार्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये बैटरी बॉक्स है। इसके अंदर में दो बैटरी लगी हुई है 12-12 वोल्ट की। यहां से लेके और यहां तक ये वाला पार्ट डीजल टैंक है और यहां से लेके यहां तक ये वाला हाइड्रोलिक टैंक है। और अंदर में मैं दिखा देता हूं, ये वाला फिल्टर, फ्यूल फिल्टर हाउसिंग, ये वाला पंप और बाकी ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है पूरा। जो आपको होज दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। वहां पे ड्रेन फिल्टर लगा हुआ है, एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। तो ये वाला है इधर से, उसके बाद में ये यहां से लेके ये आ गया काउंटर वेट, इसको बोलते हैं इंजन ऑयल फिल्टर हाउसिंग है। यहां इधर में रेडिएटर लगा हुआ है और एयर चार्जर कूलर लगा हुआ है साथ में। फिर आप यहां देखोगे, ये दिखाओ, यहां पे ये फिल्टर हाउसिंग लगा हुआ है और ये अपना हाइड्रोलिक कूलर लगा हुआ है, ये अपना फ्यूज बॉक्स है। ये यहां से लेके यहां तक कैब है, केबिन है पूरा। और इस फ्रेम को सुपर स्ट्रक्चर फ्रेम बोलते हैं जिससे ये पूरा माउंट है। उसके बाद में ये अंडर कैरेज का पार्ट्स हो गया, ये स्यू हो गया, इसमें लिंक लगा हुआ है ये वाला, आइडलर, एक्स फ्रेम, टॉप रोलर, बॉटम रोलर और इसको बोलते हैं एक्स फ्रेम या अंडर कैरेज। ये फुट रेस्ट है जब ऊपर चढ़ते हैं। ये बूम सिलेंडर है दो, ये बूम है और ये इसका हाउसिंग है। ये स्लो स्विंग रिंग गियर है, ये यहां से लेके यहां तक गियर है जो मशीन 360 डिग्री पे इसी की सहायता से रोटेट होती है। चलिए अब चलते हैं ऊपर। आप जब भी मशीन पे ऊपर चढ़ते हो तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट से ही जाएं, ये वाला हैंडल अपना ग्रिप करके ही ऊपर आए, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट से आए। अब बात करते हैं, ये वाला एंटी स्लिप पैड है, इसके ऊपर में आप जब भी मशीन के ऊपर आए तो इसी के ऊपर चले, ये फिसलता नहीं है। अब यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, ये वाला है सेंटर जॉइंट। सेंटर जॉइंट है जो हाइड्रोलिक होज लगी हुई है, ट्रैक के लिए गया हुआ है। उसके बाद में ये स्विंग मोटर आ गया और इसके नीचे में स्विंग रिडक्शन यूनिट लगा हुआ है जो गियर बॉक्स बोलते हैं जिसको। बाकी ये हाइड्रोलिक सिस्टम में जितना भी होज है, ये वाला कंट्रोल वाल है, कंट्रोल वाल है, ये पूरा मशीन को यहीं से ऑपरेशन के लिए हाइड्रोलिक लेफ्ट राइट जहां भी जाता है वो यहीं से जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूट असेंबली भी बोल सकते हैं इसको, कंट्रोल वाल को। उसके बाद में ये नीचे में हाइड्रोलिक मोटर के साथ में ये फैन लगा हुआ है जो हाइड्रोलिक को कूलिंग करने के लिए लगा हुआ है। ये वाला पार्ट्स जो है ये ट्री क्लीनर है जो एयर को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। ये ऑयल बाथ लगा हुआ है, जो एयर में डस्ट होती है वो सीधा एयर टकराती है ऑयल बाथ में और वहां से ऑयल क्लीन, एयर क्लीन होके फिर जाती है अंदर इंजन की साइड में। ये हमारा इंजन है D13F, वोल्वो का इंजन है। ये कूलेंट टैंक है
और ये हमारा फैन लगा हुआ है, इधर से अपना रेडिएटर आपको साफ दिखाई दे रहा है। और अब बात करेंगे हम अटैचमेंट का। आगे इधर दिखा दो अटैचमेंट, ये वाला दिखाते हैं। ये बूम है, ये आर्म सिलेंडर लगा हुआ है ऊपर में, और ये वाला आर्म है, ये माउंटिंग पिन है, और ये मेन पिन है यहाँ पे आर्म का, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ है। ये आर्म है, ये बॉकेट सिलेंडर है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये एच लिंक है, एच लिंक कनेक्टिंग रोड ये हो गया। और इसके आगे में लगता है बॉकेट, ये बॉकेट के लोअर कॉलर में चला जाता है, और ये मेन पिन जाके बॉकेट में बैठ जाता है, क्योंकि अभी यूज नहीं है तो हमने हटा दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो एक्सेलेरेटर मशीन के कॉमन पार्ट के बारे में पता चल गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।